हेलो, दिस इज नरेंद्र सिंह। वेलकम टू सोलंग स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर थर्ड, मनी एंड क्रेडिट। इससे पहले हम क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तक तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के टेंथ क्लास की इकोनॉमिक्स में जाकर के उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज के वीडियो पर इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो का चैप्टर का जो नाम है वो नाम से शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैप्टर का नाम है मनी और क्रेडिट। दो वर्ड है इसके अंदर, एक है मनी और एक है क्रेडिट। सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स को समझते हैं, उसके बाद देखेंगे इसके अंदर चैप्टर के अंदर क्या है। बात करें सबसे पहले मनी की, तो मनी क्या है? मनी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। क्या करता है? इंटरमीडिएट का काम करता है, एक मीडियम है। क्या है? एक मीडियम है। किसके लिए भाई? एक्सचेंज प्रोसेस के लिए, ठीक। कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, इश्यूड बाय आरबीआई। मनी क्या कर, भाई इसको कंट्रोल कौन करता है? वहां की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है और जो है इसको आरबीआई के द्वारा इश्यूड किया जाता है। पीस ऑफ पेपर है लेकिन इसकी क्या है, आरबीआई के अनुसार कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो डाली हुई है, जिसकी वजह से इसको कोई भी लेने से, एक्सेप्ट करने से है आपको मना नहीं कर सकता। कोई बंदा इसको डिनाई नहीं कर सकता कि आई विल नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस वजह से ये होगी अपनी मनी। बाकी देखना दूसरा वर्ड क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट को अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूं तो इसे हम एक तरीके से लोन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्रेडिट की डेफिनेशन क्या है। इट रेफर टू एन एग्रीमेंट, इट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच द लीडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन द रिटर्न ऑफ द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट में कि हमें इस चीज का रिटर्न वापस मिल जाएगा विद इंटरेस्ट रेट, ठीक है। किसके साथ में? विद इंटरेस्ट रेट में। किसको? बोरोवर देगा, लेंडर को देगा, जो सप्लाइज होगा उसको देगा। किसके साथ? एक रिटर्न एग्रीमेंट के साथ में देगा। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रेडिट। क्या बोलेंगे उसे हम? क्रेडिट बोलेंगे उसको हम। और उसके बाद आई होप कि आपको मनी और क्रेडिट दोनों वर्ड है वो समझ में आ गया होगा। मनी यानी पैसे से रिलेटेड सारी चीजें, क्रेडिट का मतलब लोन से रिलेटेड। अब लोन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहला अगर कोई वर्ड आता है तो वो है बैंक, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक है, तो बैंक में आपका क्या होना चाहिए? अकाउंट होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को अपन डिमांड डिपॉजिट्स भी बोल सकते हैं। अब बैंक अकाउंट जो है उससे क्या होता है, जैसे बैंक अकाउंट अगर आप खुलाते हैं तो क्या होगा, आपकी जो जो भी अमाउंट है उसकी सिक्योरिटी रहेगी, आपको उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आपको चेकबुक भी होती है। जैसे आप हजारों रुपए, जैसे मान लो कि कहीं को लाख दो लाख रुपए किसी को देने हो, ठीक है, तो आप क्या होगा, कैश में दोगे तो बहुत सारा अमाउंट होगा, उसकी सिक्योरिटी भी अगर मान लो कि इधर उधर मिस भी हो गया तो पूरा मैटर खत्म। तो वहां पे आपको उस सिचुएशन में आपको एटीएम और चेकबुक जो है वो भी बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स अपने बैंक के देखे। उसके बाद बैंक का उनमें से एक बेनिफिट और है, वो बेनिफिट है बेटा आपका लोन। क्या है? लोन। तो लोन के बारे में देखते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लोन्स। फर्स्ट इज फॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। और फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है भाई? बैंक्स। बैंक्स जो हमें लोन्स प्रोवाइड कराता है वो फॉर्मल सेक्टर से आते हैं। और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, ये लोग जो हमें लोन्स प्रोवाइड कराते हैं वो लोन्स किसमें आते हैं भाई? इनफॉर्मल सेक्टर्स में। तो ज्यादातर एग्जामिनेशन में कभी कभार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ये क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होता रहता है। तो यहां अपन बात करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। देखो बात कर रहे हैं इसके डिफरेंट की, तो पहली बात करें तो क्या है, गवर्नमेंट से ये लोग इश्यू होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जो फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट द्वारा इश्यूड होते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं उनका कोई भी गवर्नमेंट द्वारा इश्यू जो है एग्रीमेंट या कुछ लाइसेंस वगैरह कुछ भी उनका जो है नहीं होता है। बात करें दूसरा, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कंट्रोल, गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। बात करें तीसरा, इनकी इंटरेस्ट रेट है, फॉर्मल सेक्टर की इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स होती है और इनफॉर्मल सेक्टर की कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंट थे इनके बीच में, वो अपन ने देखे। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं। अब
बात करते हैं रोल ऑफ आरबीआई कि बैंक्स जो हो गए वो सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं भाई, आरबीआई के अंडर में काम कर रहे हैं। लिखा हुआ ना इशूड बाय आरबीआई एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अंडर में आरबीआई, और आरबीआई जो है उसका क्या रोल होता है बैंक अकाउंट में या वहां की इकोनॉमी में इसका क्या रोल होता है, तो बात करते बेटा मेजरली इसके तीन रोल्स होते हैं आरबीआई के। सबसे पहला एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से बड़ा कि कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई इन मनी एंड क्रेडिट या इन अवर इकोनॉमी या इन बैंकिंग सिस्टम, कुछ भी आ सकता है ठीक है। तो रोल ऑफ आरबीआई में पहला रोल देखते हैं, सुपरवाइज फ्रॉम सेक्टर फॉर्मल सेक्टर, यानी फॉर्मल सेक्टर में क्या चीज आ रही है बैंक आ रही है। तो जितने भी फॉर्मल सेक्टर के इंस्टीट्यूशन है, चाहे आपके बैंक है, अब वो गवर्नमेंट बैंक हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक हो ठीक है, किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल कंपनीज हो, वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उन सब का सुपरविजन का काम किसका होता है भाई, आरबीआई का काम होता है। सेकंड मॉनिटर द बैंक, बैंक की मॉनिटरिंग करती है कि ठीक है इसमें क्या होता है कि हर बैंक को कम से कम अपना जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट होता है उसका 15% अमाउंट है वो कैश रखना पड़ता है। तो क्या वो बैंक जो है 15% अमाउंट है वो कैश में वहां डिपॉजिट अपने बैंक के अंदर कैश के अंदर उनके पास है या नहीं है, क्या कोई उनकी जो कस्टमर्स है उनके जो भी ठीक है बैंक से जो कनेक्टेड है, जो उनके कह सकते हैं जिनके अकाउंट्स है उस बैंक के अंदर, तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, उन लोगों को जो है ठीक है मतलब किसी के साथ कोई चीटिंग वगैरह ऐसा कोई केस तो नहीं हो रहा, उन चीजों का भी मॉनिटरिंग ये करती रहती है। पीरियडिकली इंफॉर्मेशन, और पीरियडिकली का मतलब क्या हो गया टाइम टू टाइम, चाहे उनका वो अमाउंट फिक्स मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स होता है मंथली वीकली ईयरली या जो भी, उस टाइम पीरियड पे वो हर बैंक से अपना जो स्टेटमेंट है वो लेती रहती है, कितना आपने लोन दिया, कितना इंटरेस्ट आपने कमाया, कितना आपने पब्लिक के बीच में बांटा, कितने आपके पास डिपॉजिट्स आए, कितने आपने एफडीज बनाई, कितने आपने ठीक है किसान कार्ड्स के ऊपर लोन दिए, कितना आपने होम लोन्स दिए, कितना प्रॉपर्टी पे, जो भी उनका लेन देन का पूरा लेखा जोखा है पूरा उनका टाइम टू टाइम आरबीआई है उनसे वो मांगती रहती है। तो ये मेजरली तीन जो है आरबीआई के रोल्स होते हैं इनके अंदर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर बाय क्लियर समझ में आ रहा होगा मनी क्या है, क्रेडिट क्या है, बैंक की क्या ठीक है का मतलब क्या होता है, कितने बैंक्स ने जो है हमें कितनी चीजें प्रोवाइड कराता है, लोन क्या है, कितने टाइप्स के लोन हो गए, उसके बाद आरबीआई क्या है, आरबीआई का मतलब समझते हैं। अब देखो लोन्स जो है अगर हमें आरबीआई की अपन ने देख लिया, अब बात कर ले हैं लोन्स की, लोन्स हमें फॉर्मल या इनफॉर्मल सेक्टर से किसी से भी मिलते हैं, तो बात कर रहे हैं पहले फॉर्मल सेक्टर की। तो फॉर्मल सेक्टर से जो भी हमें लोन्स मिलेंगे उन लोन्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, वो टर्म्स एंड कंडीशन देखते हैं क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। इंटरेस्ट रेट कि एक फिक्स जो है इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया जाएगा, आपको इतने टाइम पीरियड में इस इंटरेस्ट रेट में आपको ये अमाउंट दिया जा रहा है और इस इंटरेस्ट रेट के साथ आपको ये अमाउंट आपको रीपे करना है। दूसरा वर्ड है कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब यहाँ पे कोलेट्रल जो है यहाँ पे आप सिक्योरिटी भी लिख सकते हैं कि आपको कोई सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी वहां पे, मतलब जमानत के रूप में ठीक है। आप जैसे कल को पेमेंट नहीं जमा करा पाता है कोई ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक फार्मर है, उस फार्मर के पास ये जमीन थी, इसने इसके ऊपर एग्रीकल्चर करने के लिए फर्टिलाइजर खरीदने के लिए या कुछ और काम के लिए उसने लोन लिया, अगर वो लोन नहीं चुका पाता है तो उसका कुछ जमीन का कुछ हिस्सा ठीक है बैंक द्वारा जो है नीलाम कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है अपन ये पैटर्न भी देखने को मिलता है, यानी कोलेट्रल वहां पे बैंक को फॉर्मल सेक्टर्स में चाहिए। लास्ट है मोड ऑफ पेमेंट, देने का तरीका कि आप किस तरीके से वापस रीपे करेंगे, मंथली होगा, ईयरली होगा, एनुअल होगा, हाफ एनुअल होगा, किस तरीके से होगा वो मोड ऑफ पे ठीक है, आप अकाउंट पे करेंगे, आप कैश पे करेंगे या जो भी तरीका होगा वो सारी चीजें आपको वहां पे क्रेडिट लेते टाइम आपको ये चीजें वहां पे अवेलेबल करानी पड़ेगी। बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो चेक जो है के डिपॉजिट्स पे मतलब कोलेट्रल में वहां आपको एज ए चेक के रूप में आपसे ले लेते हैं सिक्योरिटी और उन चेक के बेसिस पे भी दे देते हैं ठीक है। आप होम बना रहे हो तो आपके घर के जो कागज है उसके ऊपर, गाड़ी के जो कागज है उनके ऊपर ठीक है, उन सब के ऊपर आपको वहां पे क्रेडिट अवेलेबल हो सकता है। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक चीज बनती है कि क्रेडिट पॉजिटिव है या नेगेटिव पार्ट है, मतलब लोन हमें लेना चाहिए या लोन नहीं लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आप जो है वो मेंटली तौर से वहां से प्रिपेयर होता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इफ यू आर एग्री विद लोन इज पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट एंड व्हाई, कि आप
एग्री करते हो कि लोन पॉजिटिव है या फिर आप एग्री करते हो कि लोन नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्यों है, नेगेटिव है तो क्यों है, तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि अगर इसका पॉजिटिव वे क्या है, कि जैसे आपको मान लो कि आप कोई छोटे व्यापारी हो, आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, तो अब अगर आप वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप मार्केट से अगर बैंक से अगर लोन लेते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है लेकिन मैं अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूं, मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी नहीं होती, तो आप उस समय बैंक से लोन लेकर के अपनी फैक्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, एडवांस कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को सप्लाई करा सकते हैं, मतलब मार्केट में उसकी ऑलरेडी डिमांड है, आप प्रोडक्ट जैसे ही बनाएंगे तो आपके बिकने के चांसेस है, मतलब इनकम का सीधा डायरेक्ट सोर्स है आपके पास, तो उस सिचुएशन में आप अगर लोन लेते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। वही अगर आपने जैसे जमीन की बात करी, तो अगर आप किसान हैं या फिर और भी कोई सेक्टर से, उनमें भी देखेंगे किसान के माध्यम समझते हैं, फसल खराब हो गई, बारिश आई नहीं, आपने लोन लिया, लोन चुका नहीं पाए, तो सिचुएशन में आपकी जमीन तो पूरी नहीं गई लेकिन कुछ भी गई तो आपके नुकसान तो होना है, उस सिचुएशन में वो क्या हो गया, आपके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। तो क्रेडिट पॉजिटिव लोन जो है पार्ट भी प्ले कर रहा है और नेगेटिव पार्ट भी प्ले कर रहा है। अब आपको आपको देखना है कि आप किस बेसिस पे उसको पॉजिटिव मानते हैं या नेगेटिव मान करके लोन ले रहे हैं। केवल लोन, अब जैसे मैं ले लूंगा साहब मेरा बोर्ड खराब हो गया, मेरे को नया खरीदना, तो लोन ले लूं, बोर्ड के हिसाब से वो लोन नहीं देंगे, आप उस लोन को वापस कैसे चुका पाएंगे, आपके पास चुकाने का सोर्स है या नहीं, उस सोर्स को देख करके बैंक पहली बात तो लोन देगा, और अगर आपका वो सोर्स है ठीक है, वो खत्म हो जाएगा एक दिन या कंटिन्यूअसली चल रहा है तो ठीक है, अगर खत्म हो जाता है तो आप पे कहां से करेंगे, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि इस बोर्ड को उठा के ले जाए, मतलब बहुत सारे लोग फाइनेंस पे गाड़ियां लेके आते हैं, गाड़ी का पैसा नहीं चुका पाते तो फाइनेंस वाले गाड़ी वापस लेके चले जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, वो नेगेटिव पार्ट प्ले करता है। और वहीं अगर आपकी रियल में डिमांड है, आपके पास इनकम अच्छी आ रही है, आपकी फैक्ट्री अच्छी आ रही है, आपको लंबे बाहर दूर दूर तक जाकर के विजिट करना पड़ रहा है, तो वहां बीते दिन टू व्हीलर से काम कर रहे थे, वहां फोर व्हीलर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, और आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फैक्ट्री है, वो उसको जो है मेंटेन कर सकती है, उस सिचुएशन में अगर आप लेंगे तो आप उस समय पॉजिटिव पार्ट में रहेंगे। लास्ट इस चैप्टर के लास्ट में एक चीज है, वो बात कर लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या है, ये जो वुमेन्स होती है, कुछ है, उन वुमेन्स के ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी जैसे बैंक में बहुत बड़ा अमाउंट होता है डिपॉजिट, कोई मान लो कहीं बैंक है नहीं तो वहां वो जमा नहीं करा पा रही है, बैंक तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उन लोगों के लिए ये एक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें 20-25 मेंबर्स होती है, वुमेन्स होती है, उन वुमेन्स का एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप क्या करता है, मंथली मीटिंग्स करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, बात करते हैं, जैसे एक वुमेन्स का एक ग्रुप हो गया, ये मान लो कि मंथ में एक बार मीटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि भाई हम सब लोग मंथ में हर एक मेंबर 25 रुपीज जो है वो पर मेंबर या डिपॉजिट कराएगा, तो 20 मेंबर हो गया, तो इट मींस वहां हर महीने 500 रुपए जमा हो रहे हैं, अब 3-4 महीने बाद 2-4 हजार रुपए उनके पास इकट्ठे हो गए, तो जे उन 25 मेंबर्स में से ही अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उस पैसे का यूज कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में वापस डिपॉजिट करा सकती है, ठीक है, प्लस हर महीने 25 रुपए उनके डिपॉजिट होते जाएंगे, तो इससे क्या होगा, उनके पास एक लॉट ऑफ अमाउंट में एक समय बाद में पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और इन फ्यूचर में उनको बैंक से भी लोन अवेलेबल हो सकते हैं, तो ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो है बेनिफिट है। अब काफी बार ये समस्याएं देखने को मिलती है कि सर जब मनी नहीं थी, यानी पैसा नहीं था, तो उस समय कहां से, भाई उससे पहले भी तो ये सारी चीजें चल रही थी, तो उस समय प्रॉब्लम क्यों आई, क्यों पैसे की हमें जरूरत पड़ी। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भाई हमें पैसे की जरूरत क्यों पड़ी, पैसा नहीं था उससे पहले भी तो सब कुछ चल रहा था। तो बात करें कि जब पैसा नहीं हुआ करता था, उस समय चला करता था बेटा बार्टर सिस्टम। क्या चला करता था, बार्टर सिस्टम में एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से मनी को लाना पड़ा। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम थिंग्स एक्सचेंज करते थे, जैसे मेरे पास जो चीज है, सामने वाले के पास वो चीज नहीं है तो उससे मैं वो चीज ले लूंगा, मेरी चीजें उसको दे दूंगा। जैसे मेरे पास गेहूं है तो मैं 5 किलो गेहूं उसे दूंगा, मुझे जूतों की जरूरत है मैं उससे जूते ले लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती थी कि उसको जूतों की जरूरत है मेरे को, लेकिन उसे गेहूं की जरूरत नहीं है, तो वहां पे क्या होता, प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता, तो वो ले नहीं पाता, तो उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होने लगी कि लोगों की नीड्स फुलफिल प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है यहाँ पे बार्टर सिस्टम फेल हो गया और पैसे की वहां जरूरत पड़ी। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, दीजिए मुझे विदा,
मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।